हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोले स्टडीज़। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही यूज़फुल एक टॉपिक लेकर आई हूं, जिस पर मैं आज आपको वीडियो के ज़रिए बताने वाली हूं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसका नाम है टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक इंटरव्यू के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप कोई भी बैंक के लिए इंटरव्यू के लिए रेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन ज़रूर देखिए। ये आप टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक इंटरव्यू के लिए मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन। पहला है द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन दैट एवरी इंटरव्यूअर आस्क एवरी कैंडिडेट इन ब्रीफ मी अबाउट यूर सेल्फ। इट इज़ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन एंड नो अबाउट द कैंडिडेट्स। ये वाला क्वेश्चन जो ब्रीफ मी अबाउट योर सेल्फ, मतलब आपके बारे में कुछ बताइए, ये हर इंटरव्यूअर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन यू कैन से होता है, जो हर इंटरव्यूअर अपने कैंडिडेट के बारे में जानने के लिए कन्वर्स और बातों को शुरू करने के लिए उससे ज़रूर पूछता है। तो इसका आंसर देने के लिए टू आंसर दिस क्वेश्चन ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ विथ योर नेम क्वालिफिकेशन एंड द अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यूअर टू नो अबाउट यू। बट गिव कम्प्लीट दिस इंफॉर्मेशन इन जस्ट 2 मिनट्स सो दैट इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड एज अ बोरिंग कन्वर्सेशन। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पॉजिटिव रहना होगा और अपने आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए शुरुआत करनी होगी अपने नाम से, फिर आपकी क्वालिफिकेशन और जो भी अदर इंफॉर्मेशन ज़रूरी हो वो ही आपको बतानी है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट में आपको इसका आंसर देके ख़त्म होना है, ताकि ये कन्वर्सेशन एक बोरिंग कन्वर्सेशन में ना तब्दील हो जाए। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन विल बी व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द बैंकिंग सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे देना है, टू आंसर दिस क्वेश्चन बी लॉजिकल एंड आंसर इट बाय टेलिंग व्हाई बैंकिंग सेक्टर्स हैव इन्फ्लुएंस्ड पीपल विद ऑल द फैक्ट्स एंड फैसिलिटीज रेडी एज टू वाई द बैंकिंग सेक्टर इज फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। डू नॉट स्टार्ट बाई टेलिंग दैट यू वॉन्ट टू हैव अ स्टेबल करियर और सम पर्सनल व्यूज, मेक इट एज वर्ड्स विच कैन फॉर्म अ करेक्ट ओपिनियन ऑफ योर आंसर। आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको बैंकिंग सेक्टर के जो स्टार्टिंग की 3 लाइन मैंने बताई है आपको वैसे देना है। और इसका आंसर आप ये बोलते हुए शुरू ना करिए कि आपका एक स्टेबल करियर हो जाएगा और अपने पर्सनल व्यूज के साथ नहीं। इसे आप इस क्वेश्चन के आंसर को आपको ऐसे देना होगा कि आपका ओपिनियन एकदम करेक्टली प्रेजेंट हो। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है, द थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय द इंटरव्यूअर विल बी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रेजेंट इन अ बैंक। एक बैंक में कितने तरह के अकाउंट कितने पाए जाते हैं। टू आंसर दिस क्वेश्चन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड स्टार्ट योर आंसर बाय टेलिंग द इंफॉर्मेशन दैट देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट इन अ बैंक। द टाइप ऑफ अकाउंट्स आर चेकिंग अकाउंट, मनी मार्केट अकाउंट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। इसी तरह से आपको ये चारों पता होने चाहिए। इसका आंसर देने के लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप बैंकिंग के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास ये सारे नॉलेजेस तो होंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ क्वेश्चन कैन बी आस्क बाय द इंटरव्यूअर व्हाट आर द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अ पर्सन रिक्वायर्ड टू ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी आप लोगों को तो इन्फॉर्मेशन इसकी होगी ही। टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टार्ट द आंसर विद एज पर द RBI एडवाइज बैंक टू फॉलो द नो योर कस्टमर दैट इज KYC गाइडलाइंस वेयर द बैंक ऑब्टेन सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर। द प्राइमरी डॉक्यूमेंट दैट इज नीडेड टू ओपन एन अकाउंट आर फोटोग्राफ्स, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ लाइक आधार कार्ड और पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ एट्सेट्रा। ये सारे हमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये भी आपको ही पता भी होगा। The fifth question can be asked by the interviewer what are the main type of commercial banks. ये आंसर भी आपको पता होगा, आपके नॉलेज में होगा। तो आप इसको आंसर कैसे करेंगे। टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टार्ट विद द टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर, फर्स्ट इज रिटेल और कंज्यूमिंग बैंक, सेकेंड इज कॉरपोरेट और बिजनेस बैंक, ऑप्शन सी सॉरी थर्ड इज नॉन ट्रेडिशनल ऑप्शन एंड फोर्थ सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इस तरह के 4 टाइप ऑफ बैंक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द एनुअल परसेंटेज रेट दैट इज 8 APR। इसका आपको आंसर कैसे देना है। टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू डिफाइन APR एज APR इज नोन एज द एनुअल परसेंटेज रेट
It is a charge or interest that the bank imposes on their customers for using their services like loans, credit cards, etc. The interest is calculated annually. इस तरह से इसका आंसर आपको देना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, योर नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द एमोर्टाइजेशन एंड नेगेटिव एमोर्टाइजेशन. इसका आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एमोर्टाइजेशन रिफर टू द रीपेमेंट ऑफ द लोन बाय इंस्टॉलमेंट टू कवर प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट, वेयर इज नेगेटिव एमोर्टाइजेशन इज वेन द रीपेमेंट ऑफ द लोन इज लेस देन द लोन एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट एंड देन नेगेटिव एमोर्टाइजेशन टेक प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द डेब्ट टू इनकम रेशियो. इसका आंसर, टू आंसर दिस क्वेश्चन, डेब्ट टू इनकम रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ लोन एप्लीकेंट्स टोटल डेब्ट पेमेंट बाय हिज ग्रॉस इनकम. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन ऑफ को मेकर. टू आंसर दिस क्वेश्चन यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट एंड स्टार्ट योर आंसर विद a person who signed a note to guarantee the payment of the loan on behalf of the main loan applicants is known as co-maker or signer. Question number 10, the last but may not be the least question can be what is the line of credit. Iska answer dene ke liye, to answer this question rightly start it with line of credit is an agreement between the bank and borrower to provide a certain amount of loans on borrower's demand. The borrowers can withdraw the amount of at any moment or pay the interest only on the amount withdraw. So guys, इसी के साथ हमारा ये इंटरव्यू 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. उसके लिए अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वो जानने हैं तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूअर के, मैंने आपको वो बता दिए और उनके आंसर्स भी आपको समझा भी दिए और बता भी दिए. ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जब भी आए तब आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए. ऐसे ही वीडियोज़ के लिए पंडोले स्टडीज़ को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए. इस पर कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी. इस पर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए पंडोले स्टडीज़ को. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और इस वीडियो के अगर आपको PDF नहीं लॉन्ग नोट चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पर जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी उस पर जाकर आप इसके PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.